नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो का अपडेट्स आपको मिलते रहें। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे समास और उसके प्रकार। वास्तव में यह चैप्टर बहुत ही सरल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन यदि हमको समझ में यह चैप्टर आ जाता है तब हमको अच्छा लगता है। इस वीडियो को देखने के बाद भारत में जितनी भी परीक्षाएं होती होंगी और जिसमें यह समास से संबंधित प्रश्न आते होंगे, तो उन प्रश्नों को हल करने में आप सफल होंगे, चाहे प्रश्न कितने भी कठिन हों। इसलिए आप शुरू से अंत तक इसे जरूर देखें। बहुत ही सरल शब्दों में मैंने समास की अवधारणा को समझाने का प्रयास किया है, और अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताएं कि मेरे आज का प्रयास आपको कैसा लगा। तो आइए हम शुरू करते हैं समास और उसके प्रकार। संधि और समास दो अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर हैं हिंदी व्याकरण के, जो प्रायः सभी परीक्षाओं में शामिल रहते हैं। समास और संधि में मुख्य अंतर यह है कि संधि में जहां वर्णों का मेल होता है, दो वर्णों का, जैसे अ प्लस आ, दोनों मिलकर आ बन जाते हैं, और समास में क्या होता है, शब्दों का मेल होता है, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक संक्षिप्त शब्द का निर्माण करते हैं, छोटे शब्द का निर्माण करते हैं। आइए हम पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं। समास के माध्यम से भी शब्दों का निर्माण होता है, और समास का शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है संक्षेप, अर्थात छोटा करना। समास की प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है, अर्थात शब्दों को छोटा किया जाता है, लंबे चौड़े दो तीन शब्दों को मिलाकर एक छोटा शब्द बनाया जाता है, उसे उसका संक्षिप्तीकरण किया जाता है। इसको हम इन उदाहरणों के माध्यम से समझ सकते हैं, जैसे देश के लिए भक्ति। अब देखिए इसमें एक दो तीन चार शब्द हैं, इसको संक्षिप्त करके हमने क्या बना दिया, देशभक्ति, तो यह सामासिक पद बन गया या फिर समस्त पद बन गया। इसी प्रकार राम और लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण तीन शब्द हैं, यहां पर बीच में हमने हाइफन लगा दिया, योजक चिन्ह लगा दिया छोटा सा, और लिख दिया राम लक्ष्मण। इसके बाद तीसरा जो शब्द है वह है रसोई के लिए घर, यहां चार शब्द हैं, चार शब्दों को हमने छोटा करके बना दिया रसोई घर। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर ये के लिए शब्द, ये दो शब्द इनका लोप हो गया है, यहां पर और का लोप हो गया है, और यहां पर के लिए का लोप हो गया है, ये विलुप्त हो गए यहां पर। इस प्रकार हम समझ सकते हैं समास का अर्थ है, समास का शाब्दिक अर्थ है छोटा करना या संक्षिप्त करना। जैसे गंगा का जल, इसको हम लिख सकते हैं गंगा जल, यहां जो का विभक्ति है इसका यहां पर लोप हो गया है। इसी प्रकार जेब के लिए खर्च, तो ये बहुत लंबा चौड़ा आपको लग रहा है, तो के लिए को आप हटा दीजिए, लिख दीजिए जेब खर्च, यह एक सामासिक पद बन गया या समस्त पद बन गया। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं समास, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है कंपाउंड। तो इस प्रकार आप समास को बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि समास वास्तव में क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर छोटा शब्द बनाने की जो प्रक्रिया है, जो संक्षिप्तीकरण करने की जो प्रक्रिया है, इसे ही हम समास कहते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे, अब आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त करके नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त करके एक नया शब्द बनाने की जो प्रक्रिया होती है, उसे हम कहते हैं समास। इस प्रक्रिया के द्वारा जो नए शब्द बनते हैं वे समस्त पद या सामासिक पद कहलाते हैं। मतलब तीन चार शब्दों को मिलाकर जो हमारा नया शब्द बनता है, उसे हम कहते हैं समस्त पद या फिर सामासिक पद। यह आपको ध्यान में रखना है, समस्त पद और सामासिक पद दोनों एक ही बात है। समस्त पद का पहला पद पूर्व पद कहलाता है, तथा दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। जो पहला पद है सबसे शुरू में आता है वह कहलाता है पूर्व पद, और बाद में आने वाला जो पद होता है वह कहलाता है उत्तर पद। अब यह समास विग्रह क्या चीज है, समास विग्रह समस्त पद को पुनः पहले की स्थिति में लाने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहा जाता है। जैसे राम लक्ष्मण लिखा हुआ है हाइफन करके, और हाइफन के चिन्ह को आप हटा देते हैं, तब आपको क्या लिखना पड़ेगा, राम और लक्ष्मण, यह हो गया समास विग्रह। अर्थात समस्त पद या सामासिक पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। जैसे घुड़सवार एक शब्द है, घुड़सवार का समास विग्रह क्या होगा, घोड़े पर सवार। तो अलग उसको अलग अलग सभी शब्दों को जब हम अलग अलग कर देते हैं किसी सामासिक पद के, तब इस प्रक्रिया को कहा जाता है समास विग्रह। अब ये नोट एक देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है,
समास रचना में प्रायः दो पद होते हैं, पहले को पूर्व पद और दूसरे को उत्तर पद कहते हैं। ये मैं बता दिया हूं आपको ऊपर, जैसे पूर्व पद और उत्तर पद को इस तरह समझते हैं, जैसे राजपुत्र एक शब्द है, सामासिक पद है, तो इसका पूर्व पद क्या हो गया, राज हो गया, और उत्तर पद हो गया पुत्र। तो ये जो राज है, ये जो राज जो पहला शब्द है, यह क्या हो गया, पूर्व पद, और उत्तर पद हो गया पुत्र। समास की प्रक्रिया में, वास्तव में समास क्या, एक प्रोसेस है, शब्दों को जोड़ने की प्रक्रिया समास कहलाती है। तो समास की प्रक्रिया में पदों के बीच की विभक्तियां लुप्त हो जाती हैं, जैसे ही राजा का पुत्र, यहां ये का विभक्ति का लोप हो गया है। अब कारक रचना, कारक और विभक्ति आपने पढ़ा होगा, कर्ता जो कारक है उसकी विभक्ति क्या है, ने, कर्ता ने कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होना पाया जाए, संबंध का के की, अधिकरण में पर। तो ये क्या है, प्रत्येक कारक की एक विभक्ति चिन्ह होती है, तो यहां पर का जो विभक्ति है इसका लोप हो गया है, इसको हटा दिया गया है। इसके अलावा जब हम समास बना, जब समास की प्रक्रिया में नए शब्दों का निर्माण होता है, तो कुछ इसमें विकार भी आ जाता है, विकार मतलब बदलाव भी आ जाता है। जैसे काठ की पुतली, काठ की पुतली क्या हो गया, समास विग्रह है, जब हम इसको जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, कठपुतली। काठ की पुतली को हम लिख सकते हैं, काठ की बनी हुई पुतली, लकड़ी की बनी हुई पुतली को हम लिखते हैं कठपुतली। अब यहां काठ के ये का जो शब्द है वह का बन गया है, काठ था वो कठ बन गया है, का किस में बदल गया है, ये का में बदल गया है, ये जो का है ये का में बदल गया है। घोड़े पर सवार, घोड़ सवार, अब यहां जो घोड़े का घो है यहां घू बन गया है। यहां पर देखिए घोड़े का जो घो है क्या बन गया है, ये घोड़े का घो घू बन गया है। तो इस प्रकार के कुछ परिवर्तन, कुछ बदलाव आते हैं जब हम सामासिक पद बनाते हैं। तब इस पूरी प्रक्रिया को इस उदाहरण के द्वारा हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। घोड़े पर सवार, ये क्या बन जाता है, घुड़सवार, और इस घुड़सवार को हम कहते हैं समस्त पद या सामासिक पद, और घोड़े पर सवार क्या हो गया, समास का विग्रह हो गया। इसमें घोड़ा जो है पूर्व पद है अथवा पहला पद है, यह जो घोड़ा है यह पहला पद है, पूर्व पद है, और जो सवार है यह क्या है, उत्तर पद अथवा दूसरा पद है, और जो पर है यह क्या है, विभक्ति है, अधिकरण की विभक्ति है, मेयर पर। तो इस प्रकार जब हम घुड़सवार का समास विग्रह करते हैं तब क्या होगा, घोड़े पर सवार, इसमें घोड़ा पहला पद है, पूर्व पद है, और जो सवार है वह उत्तर पद है। यह पूर्व पद और उत्तर पद को जानना जरूरी है, क्योंकि इसके आधार पर ही हम समास के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन करेंगे। मतलब पूर्व पद और उत्तर पद के आधार पर ही हम समास को उसके विभिन्न प्रकारों में, विभिन्न काइंड्स में विभाजित करते हैं, ठीक है, काइंड्स ऑफ कंपाउंड। अब समास के भेद, समास के कितने भेद होते हैं आइए देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी के आधार पर परीक्षा में प्रश्न आएंगे। समास के कितने भेद होते हैं, काइंड्स ऑफ कंपाउंड, समास के मुख्यतः छह भेद माने गए हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, एडवर्बियल कंपाउंड। दूसरा है तत्पुरुष समास, इसे कहते हैं डिटर्मिनेटिव कंपाउंड। तीसरा है कर्मधारय समास, अपोजिशनल कंपाउंड। इसके बाद है द्विगु समास, न्यूमरल कंपाउंड। द्वंद्व समास, कोपुलेटिव कंपाउंड। और बहुव्रीही समास, एट्रीब्यूटिव कंपाउंड। इसको मैंने अंग्रेजी में भी लिख दिया है। तो अब जैसे पूर्व पदों की प्रधानता के आधार पर इसका वर्गीकरण कैसे होता है, जैसे परीक्षा में पूछा जाता है कि अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में, कर्मधारय द्विगु समास में कौन सा पद प्रधान होता है, पूर्व पद के उत्तर पद, तब आपको इसको याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो पदों की प्रधानता के आधार पर कैसे वर्गीकरण होता है, पूर्व पद किसका प्रधान होता है, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास का पूर्व पद अथवा पहला पद प्रधान होता है, प्रमुख होता है। इसके बाद है उत्तर पद, उत्तर पद किसका प्रधान होता है, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास व द्विगु समास का जो उत्तर पद है, जो बाद वाला पद है वह प्रधान होता है। वास्तव में यह चैप्टर बहुत सरल है, आगे आप एग्जाम्पल के माध्यम से इसको बहुत ही भली भांति समझ पाएंगे। बस आपको इंटरेस्ट से मेरे साथ बने रहना है शुरू से अंत तक, तभी आप इसको समझ पाएंगे। बहुत ही सरल है, जैसे आप प्रश्न देखेंगे तो तुरंत आपको उत्तर पता चल जाएगा, ठीक है, तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इन बातों को आपको ध्यान में रखना है, ज्यादा टेंशन में नहीं लेना है, बहुत आराम से पढ़ना है मेरे साथ। इसके बाद दोनों पद किसके प्रधान होते हैं, द्वंद्व समास, जैसे रात दिन, रात और दिन, तो द्वंद्व समास हो गया। और दोनों पद अप्रधान किसमें होते हैं,
बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों मिलकर एक अन्य अर्थ निकालते हैं, किसी अन्य की ओर संकेत करते हैं। जैसे नीलकंठ है, नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव, तो यह क्या हो गया, बहुव्रीहि समास हो गया। तो बहुत ही आसान है। अव्ययी भाव समास में क्या होता है, पहला पद अव्यय होता है, अव्यय मतलब यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, है ना, तो यथा हो गया और प्रतिदिन, दिन दिन, तो ये सब क्या हो गया, अव्ययी भाव समास हो गया। तो चलिए आगे हम पढ़ेंगे, बहुत ही आसान है, पढ़ने में बहुत ही मजा आता है इस चैप्टर को, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, और यदि आपको अच्छा लगता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताएं। लेकिन मेरा यह वादा है कि अगर आप इसको शुरू से अंत तक ईमानदारी से देख लेते हैं तो हिंदुस्तान में कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है जिसमें ऐसा कोई प्रश्न आ जाएगा जो आपसे न बन सके, समास पर आधारित। आइए अब हम इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। सबसे पहला जो हमारा समास है वह है अव्ययी भाव समास, इसको हम बोलते हैं एडवर्बियल कंपाउंड। जिस समास का पहला पद अथवा पूर्व पद अव्यय हो तथा वही प्रधान भी हो तथा समस्त पद भी अव्यय का काम करे वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। तो अव्यय शब्द को आपको याद रखना है, अव्यय शब्द या अविकारी शब्द उसे कहते हैं जिन शब्दों पर लिंग, काल, वचन इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे आ हो गया, यथा हो गया, प्रति हो गया, भर हो गया, ये सारे शब्द अव्यय हैं। तो अव्यय शब्द या अविकारी शब्द उन शब्दों को कहते हैं जिनका लिंग, काल, वचन इत्यादि का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह वैसा ही बना रहता है, इसे अव्यय भाव, इसे अव्यय कहते हैं। तो पूर्व पद अव्यय है या फिर पूरा पद अव्यय है, कैसे समझेंगे इसको, आप इसको उदाहरण से बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रख सकते हैं। उदाहरण को आप ध्यान में रखिए, आपको दिमाग में टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आजीवन समस्त पद है, आ प्लस जीवन, आ पूर्व पद हो गया जो अव्यय है जो कभी नहीं बदलता, और जीवन इसका उत्तर पद हो गया, और समस्त पद या सामासिक पद बन गया आजीवन। और आजीवन का जब हम समास विग्रह करेंगे तब क्या बन जाएगा, जीवन भर। इसके बाद यहां पर आ पूर्व पद है और जन्म उत्तर पद है, दोनों को जोड़ेंगे तब बन जाता है आजन्म, और इसका समास विग्रह करते हैं तो हो जाता है जन्म से लेकर, आजन्म मतलब जन्म से लेकर, समास विग्रह। यथा पूर्व पद है जो कि अव्यय है, उत्तर पद है संभव, दोनों को मिला दिए तो बन गया यथा संभव, या समस्त पद है या सामासिक पद है, और इसका समास विग्रह करेंगे तो बनेगा जैसा संभव हो। उदाहरण को आपको ध्यान में रखना है अव्ययी भाव समास में, इस तरह के उदाहरण को आप ध्यान में रखिए। यथा पूर्व पद हो गया और शक्ति हो गया उत्तर पद, दोनों को मिलाए तो बन गया यथा शक्ति, ये बन गया शक्ति के अनुसार, इसका समास विग्रह हो गया। आ हो गया पूर्व पद अव्यय, और जन्म हो गया, ये तो हमने पढ़ चुके हैं ऊपर से, आजन्म मतलब जन्म से लेकर। इसके बाद प्रति, प्रति हो गया पूर्व पद अथवा अव्यय, और दिन, दिन इसका हो गया उत्तर पद, बाद वाला पद, और जब दोनों को मिला दिए तब सामासिक पद क्या बन गया, प्रतिदिन। और प्रतिदिन का जब हमने समास विग्रह किया, इसको अलग अलग किया तो क्या बन गया, दिन दिन या प्रत्येक दिन। भर हो गया अव्यय पूर्व पद है, इसके बाद जो पेट है या उत्तर पद है, बाद वाला पद है, दोनों को हमने मिला दिया तब बन गया भर पेट, और इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या बन जाएगा, पेट भर कर। तो अव्ययी भाव समास में जो पहला पद होता है वह अव्यय होता है, और अव्यय अव्यय अथवा अविकारी शब्द वे होते हैं जिन पर लिंग, काल, वचन इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, तो यह आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास भी बहुत ही सरल है। जिस समास में दूसरा पद अथवा उत्तर पद प्रधान होता है उसे वह समास तत्पुरुष समास कहलाता है। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता था जो कि प्रधान होता था, लेकिन तत्पुरुष समास में क्या होता है, उत्तर पद, बाद वाला पद या दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें समस्त पद बनाते समय या सामासिक पद बनाते समय समस्त कारक चिन्हों अर्थात परसर्गों और विभक्तियों का लोप हो जाता है। मैं बता चुका हूं कारक और विभक्ति, तो इसमें क्या होता है, जितनी भी विभक्तियां हैं उन विभक्तियों का लोप हो जाता है, उनको गायब कर दिया जाता है। जैसे ग्रामगत, ग्रामगत एक शब्द है सामासिक शब्द, ग्राम कोगत, तो देखिए यहां पे को को हटा दिया गया है। अब आपको मालूम है कि कर्म कारक की विभक्ति क्या है, को होती है, तो इसको कहते हैं कर्म तत्पुरुष। जो विभक्ति होती है जिसको हम गायब करते हैं वही वह तत्पुरुष होता है। यहां पे को हमने गायब किया, और को किसकी विभक्ति है, कर्म कारक की विभक्ति है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कर्म तत्पुरुष। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, तो यश प्राप्त यह सामासिक शब्द है,
को हमने हटा दिया, को फिर से वही कर्म तत्पुरुष है। रेखांकित, रेखा से अंकित, यह समास विग्रह है। रेखांकित सामासिक शब्द है और रेखा से अंकित इसका समास विग्रह है। हमने इस से को हटा दिया और से किसका चिन्ह है, किसका विभक्ति है, करण कारक की विभक्ति है, से के द्वारा तृतीय विभक्ति, तो करण तत्पुरुष हो गया। तुलसीकृत सामासिक शब्द है, इसका विग्रह हो गया तुलसी द्वारा कृत, तो हमने द्वारा को हटा दिया और द्वारा किसमें आता है, से के द्वारा करण तत्पुरुष है ना, करण करण वाले में आता है। करण कारक का चिन्ह क्या होता है, विभक्ति क्या होती है, से और के द्वारा, तो तुलसी के द्वारा। परीक्षा केंद्र, परीक्षा केंद्र एक सामासिक शब्द है, सामासिक पद है, तो हमने यहां से क्या हटा दिया, के लिए, और के लिए किसकी विभक्ति है, संप्रदान कारक की विभक्ति है, संप्रदान कारक की विभक्ति है, को के लिए, तो यह हो गया संप्रदान तत्पुरुष। मतलब हम पहचानेंगे कैसे, जिस विभक्ति को हटा देते हैं हम, इसमें क्या है, जिस विभक्ति को हम गायब कर देते हैं वही तत्पुरुष समास हो जाता है। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, के लिए को हमने गायब कर दिया, विलुप्त कर दिया, तो किसमें आता है, के लिए संप्रदान कारक में आता है, तो संप्रदान तत्पुरुष बन गया। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, तो से किससे, से अलग होना पाया जाए, किसमें आता है, अपादान कारक में आता है, अपादान कारक की विभक्ति क्या है, से अलग होना पाया जाए, तो ये अपादान तत्पुरुष हो गया पंचमी विभक्ति। और जन्मांध, जन्म से अंधा, यहां पर हमने से को हटा दिया, जन्मांध कर दिया दोनों को जोड़कर, और से किसमें आता है, अपादान तत्पुरुष में आता है, किसी चीज से कोई चीज अलग होती है, पेड़ से पत्ता गिरा, तो से अपादान कारक की विभक्ति हो गया, चिन्ह हो गया। गंगा जल, गंगा का जल, किसका जल, गंगा का जल, का किसमें, किसकी किसकी विभक्ति है, संबंध कारक की विभक्ति है, संबंध कारक के चिन्ह क्या होते हैं, विभक्ति क्या होती है, का के की, हमने का को गायब कर दिया, तो यह हो गया संबंध तत्पुरुष। बहुत ही आसान है, इसको अभी मैं और उदाहरण में बताऊंगा आपको। राजकुमार, राजा का कुमार, यह भी हो गया संबंध तत्पुरुष, क्योंकि संबंध कारक की विभक्ति क्या होती है, का के की, तो अगर आपको कारक और विभक्ति अच्छे से पता है तब बहुत आसानी से आप इसको पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, पर किसमें आता है, मेयर पर आता है, अधिकरण कारक में, अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है, विभक्ति क्या होती है, मेयर पर, विभक्ति को हम परसर्ग भी कहते हैं, तो अधिकरण तत्पुरुष हो गया। मतलब ये जो अलग अलग नाम दिए गए हैं तत्पुरुष को, किसके आधार पर दिए गए हैं, विभक्तियों के आधार पर दिए गए हैं। अब जो तत्पुरुष समास के हमने जो ऊपर नाम देखा, जो तत्पुरुष समास के हमने जो अन्य विभेद विभिन्न प्रकार जो देखे, वह किसके आधार पर है, विभक्तियों के आधार पर, तो विभक्तियों के आधार पर तत्पुरुष समास के छह भेद होते हैं, जिसका हमने ऊपर उदाहरण देखा है। थोड़ा मैं इसको और स्पष्ट कर देता हूं। कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष को बोलते हैं द्वितीय तत्पुरुष, इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है, ऊपर मैं बता चुका हूं कर्म कारक की विभक्ति क्या है, को है ना, कर्ता नहीं कर्म को होता है। अब यहां पर समास विग्रह लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में समस्त पद या सामासिक पद है। उदाहरण देखिए, कर्म कारक की विभक्ति को है, को इसमें गायब कर दिया जाता है, तब बन जाता है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष को हम कहते हैं द्वितीय तत्पुरुष। गगन को चुमने वाला, अबे को हमने हटा दिया तो हो गया गगन चुंबी। यश को प्राप्त, को हटा दिया बना दिया यश प्राप्त, सामासिक शब्द। रथ को चलाने वाला, को हमने हटा दिया बन गया रथ चालक, तो को विभक्ति को हमने यहां पर लोप कर दिया, इसलिए यह है कर्म तत्पुरुष। ऊपर भी मैं बता चुका हूं आपको, मैं इसको थोड़ा विस्तार से बता रहा हूं आपको। करण तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष किसको बोलते हैं, करण तत्पुरुष अथवा तृतीय तत्पुरुष में क्या होता है, इसमें करण कारक की विभक्ति से और के द्वारा का लोप हो जाता है, इसको हटा दिया जाता है करण तत्पुरुष में। जैसे करुणा से पूर्ण, तो बन गया से को हटा दिया हमने करुणापूर्ण, करण तत्पुरुष बन गया। शोक से ग्रस्त, से को हटा दिया हमने, बन गया सामासिक शब्द शोक ग्रस्त। मद से अंधा, से को हमने हटा दिया, ये बन गया मदांध। पद से दलित, से को हमने हटा दिया, बन गया पद दलित। सूर द्वारा रचित, से के द्वारा भी होता है इसका चिन्ह, हमने देखा के द्वारा, सूर द्वारा रचित मतलब सूर के द्वारा रचित, तो यह हो गया
सूर्य रचित, द्वारा को हमने लोप कर दिया, इसको हटा दिया, तो यह हो गया करण तत्पुरुष। समझ गए होंगे आप लोग? अगर कोई डाउट होता आप यहां पर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख दीजिएगा, मैं आपको और अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। संप्रदान तत्पुरुष, सभी किताबों में ये सारी बातें दी गई है लेकिन हमको पढ़ने से समझ में नहीं आता, लेकिन यदि आपको कोई समझा देता है, खासकर जो ऑडियो विजुअल जो माध्यम है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप सुनेंगे भी देखेंगे, तब आपका क्या जो कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर होता है। और जहां तक मेरी बात है, मैं अवधारणाओं को पूरी तरह से स्पष्ट करने में यकीन रखता हूं, ताकि परीक्षा में कितना भी कठिन प्रश्न आए आपसे बनना जरूरी है। आपको मालूम है कि निगेटिव मार्किंग वाली जो परीक्षाएं होती हैं उसमें एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए आप किसी भी चैप्टर को, चाहे वो आपको पसंद हो या ना हो, आप इग्नोर नहीं कर सकते। जहां तक हिंदी व्याकरण की बात है, यह रटने के बजाय समझने का विषय है। थोड़ा बहुत तो याद हमको करना पड़ता है, लेकिन हिंदी व्याकरण को बेसिकली हमको समझना पड़ता है, या मैथ्स की तरह होता है, गणित की तरह होता है, ठीक है। इसके बाद संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष को हम बोलते हैं चतुर्थी तत्पुरुष, और इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो जाता है। संप्रदान कारक की विभक्ति क्या होती है? के लिए, इसको हटा दिया जाता है। जैसे कि समास विग्रह देखिए, प्रयोग के लिए शाला, तो जैसे परीक्षा में आपको आएगा तो आपको पहचानने के लिए आएगा, या फिर समास विग्रह करने के लिए आएगा, या फिर इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, पहचानना पड़ेगा। तो समास के लिए विग्रह के लिए को हमने हटा दिया, और तब यह बन गया प्रयोग के लिए शाला, प्रयोगशाला। देश के लिए भक्ति, के लिए को हमने हटा दिया, यह बन गया देशभक्ति। गौ के लिए शाला, तो ये जो विभक्ति है इसको हमने हटा दिया, गौ के लिए शाला बन गया गौशाला। विभक्ति को हम परसर्ग भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद चौथा है वह अपादान तत्पुरुष है, इसे हम कहते हैं पंचमी तत्पुरुष। अभी मैं तत्पुरुष समास के छह भेद बता रहा हूं क्या क्या होते हैं। इसमें अपादान कारक की विभक्ति से, और से कैसा से है, इससे अलग होने का भाव होता है। पेड़ से पत्ता गिरा तो पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, ठीक है ना, तो ये अलग होने का भाव है, इससे का विलोपन हो जाता है, उसको हटा दिया जाता है। जैसे धन से हीन, जिसके पास धन नहीं है, धन से हीन तो धनहीन। पथ से भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, तो ऐसे आपको पहचानना है कि यह कौन सा यह समास है, इसको आपको पहचानना आना चाहिए। गुण से हीन तो गुणहीन, तो इसको पहचानने का तरीका यह है, जब भी आपको पहचानने के लिए आए आप उसका समास विग्रह कर देखिए। जब आप उसको छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर लेंगे किसी भी शब्द, सामासिक शब्द को, तब आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से कैटेगरी में आता है। तो किसी भी समास को पहचानने का जो सबसे प्रमुख तरीका है वह क्या है, उसका विग्रह करना, उसे छोटे छोटे शब्दों में विभाजित करना, जिसे हम कहते हैं समास विग्रह, तब आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। पांचवा जो है तत्पुरुष समाज का जो पांचवा भेद है, उसे हम कहते हैं संबंध तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष। इसमें संबंध कारक की विभक्ति का, के, की इत्यादि लुप्त हो जाती है। जो संबंध तत्पुरुष है तो इसमें का, के, की इसकी विभक्तियां होती हैं, का, के, की, ये लुप्त हो जाती हैं। आइए उदाहरण देखते हैं, राजा का पुत्र, तो का को हटा दिया, ये का जो ये जो विभक्ति इसको हमने हटा दिया, यह बन गया राजपुत्र। पर के अधीन, के को हमने हटा दिया, बन गया पराधीन। देश की रक्षा, हमने इसको हटा दिया, की को, बन गया देश रक्षा। इसके बाद अधिकरण तत्पुरुष, छह भेद हैं टोटल तत्पुरुष के, छठवां भेद क्या है, अधिकरण तत्पुरुष, और इसे हम कहते हैं सप्तमी तत्पुरुष। इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में, पर इत्यादि लुप्त हो जाती है। अधिकरण कारक की विभक्ति कौन सी होती है, में और पर। जैसे शोक में मग्न, में को हमने विलोपन कर दिया, विलुप्त कर दिया, बन गया शोक में को हटाया तो क्या बन गया, शोक मग्न। पुरुषों में उत्तम, में को हमने हटा दिया, क्या बन गया, पुरुषोत्तम। आप पर बीती, तो पर को हमने हटा दिया, क्या बन गया, आप बीती। तो इस प्रकार हम समास विग्रह के द्वारा किसी भी समास को बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं कि यह कौन सा समास है। तो ये आप बहुत आसान है, इसको पढ़ने में आप बहुत ही समझ भी रहे होंगे, आपको मजा भी आ रहा होगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताएं। साथ ही यदि आप मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग एपिसोड्स आप लोगों के लिए मैं लेकर आते रहूंगा, जो आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभदायक होंगी और बहुत ही अच्छे अंकों से आप उत्तीर्ण कर पाएंगे किसी भी परीक्षा को, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा है, अब हम मुख्य भेद पर आते हैं। हमने देख लिया अव्ययी भाव समास पहला समास था, जिसमें अव्यय अथवा प्रथम पद प्रधान होता है,
इसके बाद हमने देखा तत्पुरुष समास, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। और अब हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है? इस समास के दोनों पदों में विशेषण और विशेष अथवा उपमा और उपमेय का संबंध होता है। मतलब एक तो विशेषण होता है और एक विशेष होता है, दो पद होते हैं इसमें, और एक उपमा उपमान होता है और एक उपमेय होता है। अब ये क्या होता है, विशेषण और विशेष, उपमान और उपमेय, इसको यहां पर मैंने डिफाइन किया हुआ है, परिभाषित किया हुआ है। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषता बताने वाले शब्दों को, संज्ञा इत्यादि की जो विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उसे हम कहते हैं विशेषण। और विशेष किसे कहते हैं? विशेषण द्वारा सूचित किया जाने वाला शब्द या पद, मतलब जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे कहा जाता है विशेष, जिस चीज की विशेषता बताई जाती है उसे कहा जाता है विशेष। जैसे एक उदाहरण से देखते हैं, ये नील कमल करके एक शब्द है, तो नील है, नीला रंग, यह हो गया विशेषण। और यह नीला किसकी विशेषता बता रहा है? कमल की विशेषता बता रहा है, तो कमल हो गया विशेष। तो नील तो विशेषण है, और विशेष क्या है, किसकी विशेषता बता रहा है? नील, कमल, कमल कैसा है? नीला है, तो यह हो गया विशेष। इसी तरह उपमान, उपमान किसे कहते हैं? वह वस्तु या व्यक्ति जिससे उपमा दी जाए, जिससे हम तुलना करते हैं, जिसकी उपमा देते हैं जिससे। और उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी किसी वस्तु से उपमा दी जाए, मतलब जिसकी तुलना करते हैं वह कहा जाता है उपमेय, और जिससे तुलना करते हैं वह कहा जाता है उपमान। उदाहरण से हम समझ सकते हैं, जैसे चरण कमल एक शब्द है, तो कमल क्या है? उपमान है। उपमान मतलब किससे हम तुलना कर रहे हैं? कमल से तुलना कर रहे हैं। और किसकी तुलना कर रहे हैं? चरण की तुलना कर रहे हैं, कि चरण कितना कोमल है, कमल के समान है। जो चरण है वह कैसे है, कैसा चरण है? कमल के समान है। तो चरण, चरण की हम तुलना किससे कर रहे हैं? कमल से कर रहे हैं। तो चरण क्या हो गया? उपमेय हो गया। और कमल क्या हो गया? उपमान हो गया। तो यह भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बचपन से आप इसको पढ़ते आए होंगे, लेकिन आपके दिमाग में बात रही होगी कि उपमेय और उपमान क्या होता है। तो आज आप निश्चित रूप से आज इसको समझ गए होंगे, क्योंकि हम लोग पढ़कर तो निकल जाते हैं बचपन से अभी तक, लेकिन बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो होते हैं क्लियर नहीं हो पाते हैं, उसी के कारण परीक्षाओं में क्या है, हमारे प्रश्न गलत हो जाते हैं। मेरा जो एफर्ट रहता है कि मेरे जो भी पावर पॉइंट है या मैं जो भी चैप्टर डील करता हूं उसमें जितने भी कठिन शब्द आए, मैं प्रयास करता हूं कि मैं उनको पूरी तरह से उसकी व्याख्या करूं, ताकि आप उसको भली भांति समझ पाए, जो कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर रहे। दूसरा, मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि आप हिंदी साहित्य के छात्र हैं तो बार बार डिक्शनरी देखने की आदत डाल लीजिए, हिंदी शब्दकोश देखने की आप आदत डाल लीजिए, कोई भी अच्छा सा डिक्शनरी खरीद लीजिए, शब्दकोश, हरदेव बाहरी जी का, राजपाल प्रकाशन का जो शब्दकोश है बहुत अच्छा होता है, चाहे तो आप उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन आप डिक्शनरी देखने की आदत जरूर डालें, तभी आपके ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जैसे कि मेरे क्लियर होते हैं, ठीक है। और इसको पहचानने का तरीका क्या होता है, कर्मधारय समास को कैसे पहचानते हैं? तो समास विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य में है जो के समान रूपी आदि आते हैं। इसका जब समास विग्रह करेंगे ना, कर्मधारय समास के जो समासिक शब्द हैं, इनका जब आप समास विग्रह करेंगे, छोटे छोटे खंडों में जब विभाजित करेंगे, तो ये सारे शब्द बीच में आते हैं, है जो के समान रूपी इत्यादि। हम उदाहरण से इसको अच्छे से समझेंगे, कर्मधारय समास को। कर्मधारय समास का हम उदाहरण देखते हैं, ये समास विग्रह है, नीले रंग का कमल, तो नील कमल, यहां विशेषण विशेष संबंध है, विशेषण क्या हो गया? नील। कमल क्या हो गया? विशेष। महान आत्मा, महान है जो आत्मा, मतलब महान आत्मा, महात्मा, विशेषण विशेष, महान विशेषण हो गया, विशेष से हो गया आत्मा। चंद्रमा के समान मुख, कैसा मुख? चंद्रमा के समान मुख, उपमान और उपमेय। चरण रूपी कमल, चरण कमल, उपमेय और उपमान। अभी मैं उपमान और उपमेय अभी मैं आपको ऊपर उदाहरण दे चुका हूं, तो इस पर मैं ज्यादा जोर नहीं डालूंगा कि उपमान उपमेय, यहां पर उपमान क्या है, उपमेय क्या है, आपको खुद ही आइडेंटिफाई करना है। विद्या रूपी धन, विद्या धन, उपमान उपमेय। नीला है जो कंठ, नीलकंठ, विशेषण विशेष संबंध है यहां पर। तो देखिए यहां पर के समान रूपी है जो इत्यादि आ रहा है, यहां पर के समान आ गया, यहां पर रूपी आ गया, यहां पर है जो आ गया। तो यह इसको पहचानने का तरीका है, इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि यह कर्मधारय समास है। इसके बाद द्विगु समास को पहचानना तो बहुत ही सरल होता है। द्विगु समास को बोलते हैं न्यूमरल कंपाउंड, जिस समस्त पद अथवा सामासिक पद का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास को पहचानने का पहला फंडा बिल्कुल आसान सा है, बहुत आसान फंडा है कि पहला पद जो होता है संख्यावाचक होता है,
जो किसी संख्या को बताता है, संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे कि द्विगु समास का उदाहरण देखते हैं, ये चार, देखिए चार आ गया, चार मासों का समूह चौमासा, सामासिक पद बन गया चौमासा, चार शब्द आ गया, तो यह विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण। पांच वटों का समूह पंचवटी, तीन भुजाओं वाली आकृति त्रिभुज, तीन फलों का समूह त्रिफला, सब में संख्यावाचक विशेषण आ रहा है शुरू में, इसको पहचाना बहुत आसान है। नव ग्रहों का समूह नवग्रह, तीन रत्नों का समूह त्रिरत्न, सात दिनों का समूह सप्ताह। तो ये न्यूमरल कंपाउंड है, न्यूमरल मतलब नंबर, आपको क्लियर है। द्विगु मतलब आपको ध्यान में रखना है कि जो द्विगु है उसमें पहला जो पूर्व पद होगा वह संख्यावाचक विशेषण होता है, इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान होता है, सबसे सरल यही होता है। इसके बाद जो द्वंद्व समास है, पांचवा समास, ये तो और भी आसान है। पांचवा जो समास है द्वंद्व समास, जिसको बोलते हैं कॉपुलेटिव कंपाउंड, ये भी सर्वाधिक सरल है। जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं वहां द्वंद्व समास होता है, मतलब जिस सामासिक पद अथवा समस्त पद का दोनों पद प्रधान होता है, दोनों महत्वपूर्ण होते हैं, कोई किसी से कम नहीं होता, अपनी अपनी जगह दोनों बराबर इक्विवेलेंट होते हैं, बराबर होते हैं, और दोनों पद योजक चिन्ह के द्वारा, जिसे हम अंग्रेजी में हाइफन कहते हैं, इसके द्वारा जुड़े होते हैं। ये जो चिन्ह होता है छोटा सा, इसको हम कहते हैं योजक चिन्ह, इस चिन्ह को हम कहते हैं छोटा सा योजक चिन्ह अर्थात हाइफन। अर्थात द्वंद्व समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं, दोनों बराबर महत्वपूर्ण होते हैं, और ये हाइफन के द्वारा जुड़े होते हैं। और इसका जब हम विग्रह करते हैं, जब हम समास विग्रह करते हैं, तो क्या क्या शब्द आता है, और अथवा या एवं लगता है, इसका समास विग्रह करने पर ये सारे शब्द लग जाते हैं। जैसे समास विग्रह यहां पर देखिए, सुख और दुख, तो ये बन गया सुख दुख, हमने हाइफन से जोड़ दिया और को हटा दिया, बीच में हाइफन लगा दिया। माता और पिता, और को हमने हटा के यहां पर हाइफन लगा दिया, ठीक है। गुण और दोष, और को हमने हटा दिया, यहां लिख दिया गुण दोष हाइफन लगा के। गंगा और यमुना, और को हमने हटा दिया, यहां पर हाइफन लगा के लिख दिया गंगा यमुना। पाप और पुण्य, और को हमने हटा दिया, और यहां पर पाप और पुण्य के बीच में लगा दिया हाइफन। बच्चे एवं बूढ़े, देखिए यहां पर एवं भी आता है ना, और एवं या अथवा सब आता है, यहां पर दोनों इक्विवेलेंट रहते हैं, ये ध्यान में रखना है। बच्चे एवं बूढ़े, एवं को हमने हटा दिया, यहां पर लगा दिया हाइफन बच्चे बूढ़े। दाल और रोटी, और को हमने हटा दिया, यहां पर लगा दिया हाइफन, बन गया दाल रोटी। ऊंच या नीच, या को हमने हटा दिया और यहां पर हाइफन लगा दिया, बन गया ऊंच नीच। तो द्वंद्व समास को पहचानना भी बहुत ही सरल है। तो इस तरह से मैं आपको इतने सरल तरीके से बता रहा हूं कि निश्चित रूप से आप बहुत ही आसानी से किसी भी समास को पहचान सकते हैं, उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इट्स नॉट अ टू मच डिफिकल्ट टास्क फॉर यू। इसके बाद छठवां है बहुव्रीहि समास, एट्रिब्यूटिव कंपाउंड, इसको हम कहते हैं अंग्रेजी में बहुव्रीहि समास। वैसे वास्तव में जो समास का चैप्टर है, इसमें दिमाग थोड़ा सा यदि आप लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से आप सही उत्तर का चयन कर सकते हैं, जो विकल्प दिए जाएंगे उसमें से। बहुव्रीहि समास भी पहचानना बहुत ही सरल है। आइए हम देखते हैं कि जिस समस्त पद का अर्थ उसके दोनों पदों के अर्थ से अलग निकले उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। मतलब उसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों को हम लाते हैं, तब उसका अर्थ कोई तीसरा अर्थ निकलता है जो कि दोनों से अलग होता है, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों से अलग होता है। जैसे कि जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। ना तो इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, ना तो इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि दोनों मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं, इसे कहा जाता है बहुव्रीहि समास। इस उदाहरण के द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, और किसका कंठ नीला है, भगवान शंकर का, शिव का, है ना। तो नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, किसका कंठ नीला है, शिव का। तो न नीलकंठ में न तो नीला का अर्थ निकल रहा है और न ही कंठ का अर्थ निकल रहा है। ये पूर्व पद है नीला, कंठ यह है उत्तर पद, और इसका अर्थ क्या निकल रहा है, शिव, यह कोई अन्य शब्द है। यहां पर दोनों पदों ने मिलकर एक तीसरे पद शिव की ओर संकेत किया है, इसलिए यह बहुव्रीहि समास है। तो जब पूर्व पद भी प्रधान ना हो, उत्तर पद भी प्रधान ना हो, और दोनों मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं, तब इसे कहा जाता है बहुव्रीहि समास। तो इसको हम उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, तो यह समास विग्रह हो गया। लेकिन यदि
इसका समास सीधे हम ऐसे करते हैं, नीला है जो कंठ, तब यह हो जाएगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है? विशेषण और विशेष होता है। कर्मधारय समास में क्या होता है? विशेषण और विशेष होता है। जैसे नीलकंठ है, नील विशेषण है और कंठ विशेष है। तो यदि हम ऐसा समास विग्रह करते हैं, नीला है जो कंठ, तो यह हो जाएगा विशेषण विशेष, तो यह इस स्थिति में यह हो जाएगा कर्मधारय समास। लेकिन यदि हम इसका तो आपको उत्तर को ध्यान से देख लेना है कि क्या ऑप्शन आपको दिया गया है, ठीक है, और किस तरह हम तो यहां कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बहुव्रीही के अनुसार भी बनते हैं, कर्मधारय समास के अनुसार भी बनते हैं। लेकिन यहां पर नीलकंठ क्या है? नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव, तो यह हो गया बहुव्रीही समास। पीतांबर यह सामासिक पद है, तो इसका समास विग्रह क्या होगा? पीत है अंबर जिसके, मतलब जिसके वस्त्र पीले हैं। किनके वस्त्र पीले होते हैं? भगवान कृष्ण के। दशानन, दशानन मतलब दस हैं आनन जिसके, आनन मतलब मुंह, किसका दस मुंह होता है? रावण का। चक्र पाणी, चक्र है पाणी हथेली में जिसके, चक्र है पाणी मतलब हथेली में जिसके, अर्थात भगवान कृष्ण, जिन्होंने शिशुपाल का वध किया था चक्र से। चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी, किसकी चार भुजाएं होती है? विष्णु भगवान की, ठीक है। चतुर्मुख, किसके चार मुख होते हैं? चार मुख हैं जिसके, अर्थात ब्रह्मा जी, ये हो गया। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, किसका पेट लंबा या बड़ा है? भगवान गणेश का। तो ये हो गया। तो इसको पहचानने का तरीका क्या होता? आपने देख ही लिया कि नीला है कंठ जिसका, पीले हैं अंबर जिसके, दस हैं आनंद जिसके, चक्र है पाणी में जिसके, चार भुजाएं हैं जिसकी, चार मुख हैं जिसके, लंबा है उदर जिसका, अर्थात इसमें ना तो पूर्व पद प्रधान है और ना तो उत्तर पद प्रधान है, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी एक तीसरे पद, किसी नए पद की ओर संकेत करते हैं। ऐसे समास को हम कहते हैं बहुव्रीही समास। तो अब हम देखते हैं इसको संक्षेप में, हम देख लेते हैं निष्कर्ष क्या निकलता है इससे। दो या दो से अधिक शब्दों का मेल कर संक्षिप्त रूप बनाने की विधि को समास कहा जाता है। मतलब समास में दो या दो से अधिक शब्दों का मेल करके एक छोटा शब्द संक्षिप्तीकरण किया जाता है। और संधि में क्या किया जाता है? संधि में वर्णों का मेल होता है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। और बाद में मैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाने वाला हूं आपको। आप ये मत सोचिए कि मैं आपको खाली थ्योरी बस पढ़ाऊंगा, बाद में हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे। लेकिन पहले मैं थ्योरेटिकल चैप्टर को कंप्लीट कर लेता हूं, ताकि बाद में जब हम इस पर क्वेश्चन करेंगे तब बहुत आसानी से आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। लेकिन ये कंटेंट पहले कवर करना बहुत ही जरूरी है। ऑब्जेक्टिव हम बाद में कर लेंगे और थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, ठीक है, लेकिन करवाऊंगा मैं बाद में। इसके बाद समस्त पद या सामासिक पद, मतलब ये छोटा शब्द बन जाता है, समस्त पद या सामासिक पद के पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को हम कहते हैं समास विग्रह। जैसे दस आनन है तो दस हैं आनन जिसके, तो यह क्या हो गया? समास विग्रह हो गया। और सामासिक पद क्या हो गया? दशानन। इसी प्रकार समास के छह भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? छह भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीही समास, जिसमें जो तत्पुरुष समास होता है उसके पुनः छह भाग होते हैं जो कि विभक्ति पर आधारित होते हैं। तो इस प्रकार हमने आज समास को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से इसको समझ लिया होगा, इसको आत्मसात कर लीजिए। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं बहुत ही हाई क्वालिटी का कंटेंट आपको लेकर आता हूं। और अगर इसको अपने मित्रों के साथ भी साझा करें ताकि उन्हें भी लाभ हो। और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताएं कि मेरा आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।